नमस्कार जी, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है शुक्र है भगवान का। ये कहानी है दो व्यापारियों की, एक छोटे स्तर का व्यापारी है तो दूसरा बड़े स्तर का यानी धनी व्यापारी। दोनों अपने घर से व्यापार के लिए निकले हैं। सफर के दौरान दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत आगे बढ़ती है। छोटा व्यापारी बताता है कि मैं दुखी हूँ, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जितना कमाता हूँ उससे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। बड़ा व्यापारी कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, मेरा व्यापार बहुत अच्छा है। दोनों बातें करते करते आगे जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आता है और छोटे व्यवसायी का पैर उससे अटक जाता है और वो गिर पड़ता है। गिरने से उसका एक हाथ टूट जाता है। वो खड़ा होता है और तुरंत कहता है, शुक्र है भगवान का कि मेरा दूसरा हाथ तो साबुत है। बड़ा व्यवसायी पूछता है, तुम्हारा हाथ टूट गया फिर भी तुम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो? उसने कहा, हाँ, भगवान ने मेरे कष्ट को कम किया है। ये कह के दोनों आगे चल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर जाकर दोबारा से उस व्यवसायी का पैर फिसल जाता है और इस बार उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है। बड़ा व्यवसायी उसको सहारा देके खड़ा करता है। खड़े होते ही छोटा व्यवसायी कहता है, शुक्र है भगवान तेरा, मेरे पैर तो बच गए। बड़ा व्यवसायी फिर हैरान, तुम हर बात पे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो जबकि तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। उसने कहा कि मेरे कष्ट को भगवान कम कर रहे हैं। ये कह के दोनों फिर चल पड़ते हैं। आधा रास्ता बीत जाता है और इस बार वो व्यवसायी फिर से गिरा, लेकिन क्या हुआ, दोनों पैर एक साथ टूट गए। तो बड़ा व्यवसायी से देख के कहता है, लो अब फिर भगवान का शुक्रिया अदा करो, भगवान ही आएंगे तुम्हें उठाने, मैं तुम्हारी मदद अब नहीं करूंगा और मैं यहां से जा रहा। ये कह के वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उस राज्य के राजा की सवारी वहां से निकल रही होती है, सैनिकों की नजर पड़ती है, वो राजा को बताते हैं। राजा तुरंत उस आदमी की सहायता के लिए सैनिकों को भेजता है, उसे उठाकर राज्य में ले जाया जाता है। वहाँ का जो वैद्य था यानी राज वैद्य जो था वो उसका इलाज करता है और कुछ ही दिन में वो व्यवसायी पहले की तरह पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। उसके हाथ पैर सब ठीक हो जाते हैं, अच्छे से चलने फिरने लगता है। जितने दिन वो राज्य में रहता है रोज शाम को राजा के दरबार में जाकर भगवान के किस्से, अच्छी बातें, भगवान से जुड़े प्रसंग राजा को सुनाता है जो कि राजा को बहुत अच्छे लगते हैं, उसके अच्छे विचारों को देखकर, अच्छे स्वभाव को देखकर। एक दिन राजा ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि देखो अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम चाहो तो यहाँ से अपने घर जाकर वापस व्यापार कर सकते हो और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे राज्य में रहकर एक उच्च पद प्राप्त कर सकते हो। व्यवसायी बोला, महाराज मेरा परिवार है जिसका पालन पोषण मेरे ऊपर है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे परिवार को कौन पालेगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा? तो राजा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार भी यहीं आ जाएगा और तुम्हें एक उच्च पद दिया जाएगा जिससे तुम्हें जो आमदनी होगी तुम अपने परिवार का पालन पोषण यहाँ आराम से कर सकते हो। वो मान जाता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वो उस राज्य में रहने लगता है। कई दिन बीतते हैं, वही व्यापारी उस राज्य में वापस आता है और एक ऊंचे पद पर उस छोटे व्यापारी को देखकर हैरान हो जाता है। उसने कहा, तुम यहाँ, तुम्हारे तो हाथ पैर टूट गए थे। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ पर जानते हो क्यों? सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की वजह से जिनका कि मैं हर बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ही उस दिन उस राजा को यहाँ भेजा, वो मुझे अपने राज्य लेकर आए और मेरा इलाज करवाया, आज उनकी वजह से ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कई बार हमारा जो सुखों की मंजिल जो होती है ना उसका रास्ता दुखों से होकर गुजरता है, लेकिन हम जरा सा दुख आते ही ये सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। दुख भगवान ने नहीं दिया, दुख हमारे कर्मों से हमें मिलता है जो कहीं ना कहीं पहले हमने किए हैं, वो भुगतने तो हम ही को पड़ते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं,
आपका मन अच्छा है, आप भगवान की भक्ति करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तो भगवान उस कष्ट को कम कर देते हैं। लेकिन आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। दुख आए तो घबराइए मत कि भगवान ने हमें ये दुख दे दिया, बल्कि ये सोचिए कि क्या पता इससे भी बड़ा कोई दुख आना था जिसे भगवान ने कम कर दिया। अपने कर्म अच्छे रखिए ताकि जो हम दुख अभी पहले कर्मों के लिए भुगत रहे हैं ना, आगे हमें ये दुख दोबारा से ना भुगतने पड़े। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। हर बात पर भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने हमें ऐसा जीवन दिया। जो आज हमारे पास सुख है ना, सिर्फ और सिर्फ उनके आशीर्वाद की वजह से। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे बहुत नीचे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। इसलिए भगवान ने जो भी दिया है, हमें जैसा बनाया है, जैसी लाइफ दी है, हर बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर करिए और अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए ताकि हमारा जो फल हमें मिले वो भी अच्छा हो। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो ना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये और लोगों के पास भी पहुँच सके। अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग में एक नए प्रसंग के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।